अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं, फिर भी सपने देखता है। गुलाब के फूलों और कांटों का शहर, वो शहर जहां सब कुछ मुमकिन है, वो शहर जिसमें नामुमकिन भी मुमकिन है। मुंबई उस कर्मयोगी की अद्भुत यात्रा का गवाह है जिसने अल्पसंख्यकों को अपने अधिकार दिलाए, जिसने धर्मनिरपेक्षता की छत्रछाया में लोगों को बांध कर रखा, जिसने अपने साथ साथ दूसरों का मुकद्दर रचने की एक आम आदमी की ताकत को दिखाया, जिसने औरों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के लिए और उन सब के लिए ख्वाब सजोए जिन्हें मदद की जरूरत थी और जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में एक प्रगतिशील भविष्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहमियत पर जोर दिया। सैयद नजर हुसैन ने इसकी कल्पना 50 साल पहले ही कर ली थी। सैयद नजर हुसैन 24 अक्टूबर 1938 को महाराष्ट्र के अमरावती में नाद गांव नामक एक छोटे से गांव में पैदा हुए। मगर अफसोस कि वो 20 दिन के अंदर ही अपनी मां उमराव को खो चुके थे। उनके नाना सुल्तान खान ने उनकी परवरिश की। 1947 में हुए विभाजन के दर्द ने उनके सामने दो विकल्प रखे, सरहद पार चले जाएं या बेहतर जिंदगी के लिए अपना गांव छोड़ें, और उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। वे पक्के इरादे के साथ अपने गांव से निकले और मुंबई पहुंचे। यहां कांटों भरी जिंदगी में वे फुटपाथ पर सोए, गलियों की खाक छानी, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। आगे चलकर अपने गुरु सेठ अम्बालाल के मार्गदर्शन में उन्होंने जमीन जायदाद के व्यापार के गुर सीखे, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें पता था कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। मीरा रोड कभी खेतीहारी की जमीन हुआ करती थी, यहां किसी का आना जाना मुश्किल था, विकास की कोई उम्मीद नहीं थी। आज वही मीरा रोड उच्च कोटि की नागरिक सुख सुविधाओं से संपन्न, लाखों निवासियों से भरा पूरा एक समृद्ध नगर है। एक सुनियोजित, आरामदायक, किफायती नई बस्ती बनाने के सैयद नजर हुसैन के सपने में ये पाया पलट कर दी। अपने शुरू के दिनों में वे जब भी मीरा रोड की खाई से गुजरते, उसे फलता फूलता क्षेत्र बनाने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो जाता। अपने कुछ उच्चाधिकारी मित्रों की मदद से वे मीरा रोड में एक रेलवे लाइन, एक पेयजल की लाइन और अन्य आधारभूत सुविधाएं ले आए, लेकिन कैसे कोई बिना पर्याप्त शिक्षा, पृष्ठभूमि या राजनीतिक संबंधों के सभी पर अपनी छाप छोड़ने और इस विशाल कार्य को करने में कामयाब रहा? I believe very firmly that Syed Nazar Hussain is not the name of a person, but an embodiment of a mission. बस अपने सपनों को कैद करके नहीं रखा, उन्हें पंख दिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यही वो शख्स है, सीधा साधा, निस्वार्थ,
दृढ़ निश्चयी, आंख और आत्मशक्ति वाला पथ प्रदर्शक, एक ऐसा नायक, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आत्मविश्वास के बल पर काम करता हो, जो बदले में इज्जत, शोहरत, ओहदा, मान मर्यादा कुछ नहीं मांगता। जिंदगी के सभी पहलुओं से आने जाने वाले लोगों से जीवन भर का नाता जोड़कर उनके सुख दुख में शामिल होता है, जो समाज के लिए औरों के लिए जीता है, जो एक कर्मयोगी है। The one thing talking about Nana that appeals me is his simplicity. In spite of all that he's achieved, एक orphan and जिनके पास कुछ नहीं था और बचपन से सिर्फ एक ही चीज पे उठना, उनका अपने आप पे विश्वास, यह हम सब यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। नज़र हुसैन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अपने सीने में एक बहुत बड़ा दिल रखते हैं। कौमी एकजुटता में दृढ़ विश्वास रखने वाले, जिनका मजहब भी धर्म निरपेक्षता है, यही कारण है कि मीरा रोड में सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। मीरा रोड के कई मोहल्ले और सड़कों के नाम सम्मानित हिंदू, ईसाई और मुसलमान व्यक्तियों पर रखे गए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कई मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद बनवाने में भी मदद की। I find my grandfather not only kind and loving but also very hard working and sincere to his work. His life and dedication are an example for us to emulate. It encourages us to get well educated so that we also can contribute our might for the cause. बहुत जल्दी अपने उर्ज पर पहुंचने के बावजूद नज़र हुसैन अपनी गरीबी को नहीं भूले हैं। वे खजूर के पेड़ नहीं बने, बल्कि उन्होंने निर्धन लोगों की मदद के लिए कई अनाथाश्रम और शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। नज़र हुसैन के प्रेरणात्मक प्रयास उनकी पत्नी बेगम नूरजहां के उदार सहयोग के बिना मुमकिन न थे। बेगम नूरजहां, जिन्हें लोग प्यासे मम्मी जी कहकर पुकारते हैं, और नज़र हुसैन के 5 प्यारे बच्चे हैं। बहुत ज्यादा शिक्षित न होने के बावजूद नज़र हुसैन जानते हैं कि राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। पिछले 40 वर्षों से वे न सिर्फ विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बल्कि सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट की भी स्थापना की, जो कई स्कूल और कॉलेज चलाती है। हमारे वालिद हमेशा से बहुत ही डिफरेंट पर्सन हमें नजर आए। तो ये हमेशा सोचते थे कि नहीं, लड़कियां मेरी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो और वैसा ही करें जैसे लड़के कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के होते हुए भी नज़र हुसैन बड़े ही खुले दिल और दिमाग वाले हैं। उनकी पत्नी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है और महिला मंडल की अध्यक्षा भी है। उनकी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर ट्रस्ट के कामकाज में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने बेटे मुजफ्फर हुसैन को राजनीति में शामिल होकर मीरा भयंदर के लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। लाइफ में फोकस्ड रहना, टारगेट ओरिएंटेड रहना और अपने मंजिल की तरफ चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, परेशानियां आए, उसकी तरफ बढ़ते रहना, लोगों का साथ लेना, दोस्तों को याद रखना, कौम, सोसाइटी और मुल्क के हित में काम करना, यही वजह है कि मेरे वालिद साहब एक कामयाब शख्स रहे हैं। मुजफ्फर अब एक लोकप्रिय कांग्रेस नेता है। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मीरा भयंदर को जेब-ए-दीद बना दिया। आज नज़र हुसैन और मुजफ्फर हुसैन एक नए मिशन की ओर अग्रसर है। उनका उद्देश्य है थाने मीरा रोड भयंदर के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसी की प्रेरणा से एक स्वस्थ तंदुरुस्त समाज के लिए प्रतिबद्ध द उमराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का जन्म हुआ। नज़र हुसैन की माताजी के नाम खोला गया यह 14 मंजिला 330 बेड वाला उमराव अस्पताल
एक अत्याधुनिक बहुआयामी विशेषज्ञताओं व उच्च स्तर की देखरेख वाला अस्पताल है। We revere life, यानी हम जिंदगी का सम्मान करते हैं। अस्पताल सलाहकारी, रोग की पहचान और इलाज सहित व्यापक समाधानों के जरिए बड़ी विशेषज्ञताओं के साथ उच्च दर्जे की स्वास्थ्य सेवा पहुंचाता है। ऐसा विशाल साहसी कदम उठाना नजर हुसैन की दूरदृष्टिता, एकाग्रता, त्याग और समर्पण के बिना मुमकिन न था। इस तबलीग में मुजफ्फर हुसैन ने उनका खूब साथ दिया। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है वक्त की कदर करना, और जिस किसी ने भी जीवन में वक्त की कदर की है, जिंदगी ने उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मुझे फख्र है कि अस्मिता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो 10 सितंबर 1985 में हमने बनाई थी, उसे आज 25 साल पूरे हुए हैं और वो अस्मिता इंडिया लिमिटेड के रूप में आज जानी जाती है। कईयों का मानना है कि नजर हुसैन एक सार्थक जुनून का मानवीय रूप है। अपने हर अनुभव के साथ उनमें बल, हिम्मत और विश्वास पैदा होता गया। डर की आंखों में आंखें डालकर उसने फतेह किया, अपनी दूरदर्शिता से लोगों को अधिकार दिलाया। नजर हुसैन उन सब के लिए एक प्रेरक आकाश दीप है जो जिंदगी में ऐसा ही कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ऊपर वाला आजकल ऐसे रहम दिल इंसानों को कम ही मनाता है। एक ऐसा रहम दिल इंसान जिसने लाखों की जिंदगियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी है। तभी तो कहते हैं, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया।